जोमेटो और पेटीएम के नतीजों से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है? जोमेटो के को लेके आप काफी बुलिश रहे हैं सर, लेकिन ब्लिंकिट का भी योगदान बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में स्विगी का आईपीओ जोमेटो के लिए हल्का फुल्का चैलेंज लेकर आ सकता है सर। ऐसे में ये नतीजे कितने महत्वपूर्ण है? वो क्यूआईपी के जरिए फंड रेज भी कर रहे हैं जोमेटो में। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो पहले भी मैंने इस चीज का जिक्र किया है कि जोमेटो के अंदर देखिए, उन्होंने काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया हुआ है ब्लिंकिट के लिए। तो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन ब्लिंकिट के लिए इन्होंने किया है, मुझे लगता है वो इनको जरूर पे करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट काफी बड़ा है। तो बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि ये मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, और एक बार कंज्यूमर हैबिट बनती है तो वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। वैसे भी आप देखें तो वाईओवाई उन्होंने 27 से 28% की ग्रोथ ग्रॉस अंडर वैल्यू में दी है। ये आने वाले समय में 20% का मार्जिन गाइडेंस है। अगर आप ग्रॉस अंडर वैल्यू देखें तो बेसिकली ये जोमेटो गोल्ड मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर एक अच्छी ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। और इन्होंने, अगर आप देखेंगे तो सर्च प्राइसिंग के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म फीस को प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गोल्ड मेंबर्स का यहाँ पर नंबर बढ़ता है। मुझे लगता है यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे जोमेटो के, और ये प्राइस एक्शन में भी दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है 250 रुपए के आसपास। तो जो है वो 250 का स्टॉप लॉस लगाए बना रहे। अगर ये जोन टूट जाता है 250, तभी इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट सीजन है, बिल्कुल आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा करके ही इसको प्ले करें। और सिमिलरली अगर आप पेटीएम को देखें तो पेटीएम में जितना मूव आपको देखने को मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन आपको पेटीएम में आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर के लिए बाजार बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक है, जो मैनेजमेंट भी मान करके चल रहा है कि साहब कम से कम एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर तो पेटीएम में हम देंगे ही आपको, तो इन दैट कंडीशन। लेकिन अगर आप चार्टिकली देखें तो मुझे लगता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऊपर के जोन पर बनता हुआ दिखाई दिया है। एक सप्लाई जोन 786, वही जो टारगेट मैंने दिया था 786, तो हाई बना था 770 के आसपास, 770 के आसपास। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट स्टॉक को बना हुआ है। पिछले 2 सप्ताह में स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि जो 70-75 करोड़ का इन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस में, मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट इनको देखने को मिलेगा। जो रिएक्टिवेशन करना चाहते थे डोरमेंट यूपीआई कस्टमर्स का, वहां पर भी हो सकता है कि एक बार अच्छा नंबर आता हुआ दिखाई दे। क्रॉस सेल जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का है, वहां पर भी हो सकता है एक अच्छा आपको एक ग्रोथ देखने को मिले। तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी देखने के लिए। इन द मीन टाइम अगर कोई है, अगर स्टॉक में पोजीशन है, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना चाहिए। इसी वीक का लो 700 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखे। अगर 700 रुपया टूट जाता है किसी परिस्थिति में तो आप इस पोजीशन से जरूर निकल सकते हैं। हो सकता है इन दैट केस आपको एक प्रॉफिट बुकिंग 650 तरफ दिखे। तो रिजल्ट सीजन में हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए।